के डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं और उन पोर्ट्स को बताना होता है कि या आप इनपुट हो या आप आउटपुट हो, कि आप लोग कुछ चीज आउटपुट के तौर पे यूज कर रहे हो या इनपुट के तौर पे यूज कर रहे हो। तो जब आप प्रोग्रामर यूज करते हो या आप कोई भी ये मतलब हार्डवेयर कोडिंग यूज करना चाहते हो, तो आप लोगों को हमेशा 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 अपने कोडर, अपने जो डिवाइस होती है उस पर उसको बताना होता है कि आप उसकी कौन सी पिन, जो मैंने आप लोगों को डिजिटल पिन बताई थी, उनमें से कौन सी पिन आप लोग इनपुट के तौर पे यूज कर रहे हो और कौन सी पिन आप आउटपुट के तौर पे यूज कर रहे हो। अब मैं आप लोगों को एक बेसिक एलईडी ब्लिंक का कोड अगर बताऊं तो यहाँ पर हम आते हैं। अच्छा, आप लोग के पास ना बेसिक कोड्स भी मौजूद हैं, अगर आप लोग समझना चाहो आप लोग यहाँ जाओगे फाइल में, यहाँ पर आप देख लो एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देख लो बेसिक डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली आगे वाले थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन अगर बेसिक पे जाओगे और यहाँ पर आप लोग ये ब्लिंक वाला करोगे तो ये सब से बेसिक कोड जो आर्डिनो पे चलता है वो ये वाला कोड होता है। अगर आप इस पर ये ओपन होगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सारा कुछ करो, ये नीचे आ जाओ, कॉल इंजन, चलो वो दोबारा शुरू करते हैं। कॉल थोड़े गरीब हैं, मीट पे हमारा फुल टाइम भी चल सकता, तो चले भाई आप लोग को एक चीज़ करते हैं।